अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ वो एक नया टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। एक एज अ इंफॉर्मेटिव मैं वीडियोस बनाना की कोशिश करता हूँ, सम टाइम इंटरटेनमेंट डालता हूँ। तो मैं आपसे जो डिस्कस करने लगा था वो आजकल के माहौल के अंदर जो हम ये जो ढोंगी बाबा, जो फ्रॉडी बाबाओं के चक्कर में हम लगे होते हैं, इसका जो असल इशू है, मैं आपको एक अपने इस वीडियो पे देखें, मैं साइड में एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, उस वीडियो को पहले देखें, फिर मैं आपको इस बारे में आपके साथ बात करता हूँ। वीडियो देखें आप। तो फाइनली आपने ये वीडियो देखी, तो इस वीडियो में आपने क्या देखा? इसमें एक बेपर्दगी देखी आपने, और अल्लाह माफ़ करे, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त और ऐसे अजीज़ हैं मेरे जो इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने मामलात जो है सारे इनके सामने पेश करते हैं, फिर वो उन सब कुछ मालूम करने के बाद वो उन्हीं अल्फाजों के साथ वो खेल रहा होता। यार अच्छे भी होंगे, मुझे नो डाउट के अच्छे भी लोग होंगे जनाब, अगर अच्छे पीर होते तो आप ज़रा सोचें ये क्यों मार रहे हैं इस बुज़ुर्ग को। ये किसी कोई हरकत करी है तभी तो मार रहे हैं। मेरे 12 साल के इस एक्सपेरिमेंट में, मेरे 12 साल के जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसमें, मैंने नहीं देखा आज तक कोई बाबा अपने आप को सही साबित कर पाया हो मीडिया के अंदर। मीडिया ने जिसको भी पकड़ा है उसको बेनकाब किया है, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब किया है। आप देख सकते हो ये भी मीडिया के ही हत्थे चढ़ा है, जिसके बाद औरतों ने इसको बहुत बुरी तरह मारा है, उसकी दुर्गत बनाई है। और इस तरह के लातादाद जो हैं यूट्यूब में और एक्स वाई जेड बहुत सारे वेबसाइट में इनके क्लिप पड़े हुए हैं, जिनमें ये अपनी बेहुदा हरकत करते हुए पकड़े गए हैं और मीडिया में बेनकाब हुए हैं। अल्लाह पाक इन सबों से हमें बचाए और हमें हिदायत दे। मैं आपको स्क्रीन शॉट भी दिखा दूंगा कि कितने सारे वीडियोस इनकी रखी हैं यूट्यूब के अंदर भी और फेसबुक के अंदर भी, फिर भी हम लोग जो है बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन करें, हम अपने दीन इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं कि बेपर्दगी को कुछ समझते नहीं। अल्लाह ने मना किया है औरत को मर्द के सामने आने को, अल्लाह ने मना किया है, किसी वजह से मना किया है। अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो हमारे ऊपर अजाब आएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दीन इस्लाम पर चलने की कोशिश करिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।